राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईके सिटी न्यूज। आगरा थाना सिकंदरा पुलिस को रविवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऊंट तस्करों की करने वाले 6 ऊंट तस्करों को थाना सिकंदरा पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। आपको बताते चलें कि थाना सिकंदरा पुलिस को काफ़ी दिनों से मुखबिर को सूचना मिल रही थी कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर से कई लोग ऊँटों की तस्करों करते हैं। बस इसी सूचना के आधार पर सिकंदरा पुलिस ने बीती रात कार्रवाई शुरू की तो सफलता मिल गई। SP सिटी रोहन पी बोत्रे ने बताया है कि 6 ऊँट तस्करों को हिरासत में लिया है, जिनसे 12 जिंदा ऊँट और 1 मृत ऊँट बरामद हुआ है। इसके अलावा ऊँट तस्करों में कई वाहन भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। ऊँट तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए SP सिटी आगरा रोहन पी बोत्रे ने सभी ऊँट तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट सहित गंभीर धाराओं में कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ SP सिटी आगरा का दावा है कि इस गैंग के नेटवर्क को तोड़ने के लिए इलाकाई पुलिस को निशान निर्देश जारी कर दिए हैं। इस अन्य तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक सिकंदरा अरविंद दरोगा, केशव सैंडले और अन्य पुलिस कर्मी शामिल हैं। वाईके सिटी न्यूज से संवाददाता योगेश कुमार की रिपोर्ट आगरा से। देखिए, कुछ ऊँट नगर तस्करों को सिकंदरा पुलिस ने अरेस्ट न किया है। 12 जीवित ऊँट और 1 मृत ऊँट को न बरामद किया है। जो मृतक मृत ऊँट है उसको उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भी भेजी गई है और इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुछ व्हीकल्स भी इसमें सीज किए गए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, सब कहाँ से लेकर? देखिए, ये उत्तर प्रदेश और अन्य जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है वहाँ से ये ऊँट जो हैं लेकर आते हैं और हरियाणा में इसकी तस्करी जनरली होती है। और के बारे में जानकारी? देखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक न मिली और डिटेल में गहराई से इसकी तफ्तीश भी होगी विवेचना के दौरान, कुछ और डिटेल्स भी इसके अगर मिलेंगे तो उनको भी लिंक किया जाएगा।